हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा का सुबह सुबह अपडेट, बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर आए। हरियाणा सीटी में फिर से बदलाव कर दिया गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज क्या रहने वाली है, जो हरियाणा के चेयरमैन साहब है HSSC विभाग के भोपाल सिंह कदरी, ये वाले उन्होंने एक बड़ा शॉर्ट मैसेज आप सभी के लिए जारी किया है, शॉर्ट लेटर जारी किया है। ये हुई ना बात बच्चों के लिए, इसमें काफी चीजें खुशखबरी के साथ में बताई जाएंगी। पहली बात तो ये चीजें आपको पता है कि PMT जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होना था हैवी फायर ऑपरेटिंग वालों सिस्टम का और फॉरेस्ट गार्ड का, उसका डेट आगे बढ़ा दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया। ये तो चीजें आपको पता है, परंतु जो आज का लेटर जारी किया है अभी सुबह सुबह, उसमें क्या मैसेज दिया है कि हरियाणा के अंदर जो CET के बच्चे हैं उनका रिवाइज रिजल्ट निकाला जाएगा, दोबारा से CET का रिजल्ट जारी किया जाएगा। कितने बच्चों का रिजल्ट है वो जारी होगा, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। आज से मात्र 4 दिन के बाद में, जो इन्होंने कहा है कि आज से 4 दिन के बाद में हम रिजल्ट है वो दोबारा से जारी करेंगे। बारिश का मौसम चल रहा है, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट है वो डिले किया जा रहा है, और बारिश जब भी उनकी ठीक होने के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा मात्र 4 दिन के बाद में, और आपका फिजिकल मेजरमेंट दोबारा से शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। तो एक बार मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं, पूरा डिटेल से बताता हूं। उससे पहले जो भी मेरे भाई गुरु बहन आज हमारे चैनल पर पहली बार है, अपने छोटे भाई का यूट्यूब को अपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका भाई इसी प्रकार से जो भी अपडेट आते हैं पूरे हरियाणा में किसी वैकेंसी का, सबसे पहले आपके बीच में नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जाके वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आने वाले हर भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए मेरे भाई और बहन, मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं, पूरा डिटेल से बताता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, आज सुबह का जो न्यूज़पेपर वो आप सभी के सामने आ चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ESM जो EWI अनुभव से संबंधित त्रुटियां ठीक करने के बाद सूची जारी होने के लिए 4 दिन का समय लग सकता है। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के जिन उम्मीदवारों का नाम नहीं आया उन्हें HSSC देख रहा है। इनमें क्या लिखा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से CET का विस्तृत जो रिजल्ट है जारी करने के बाद एक्स सर्विसमैन EWS जो कैटेगरी गलत होने, अनुभव के गलत अंग लेने, फादरलेस होने के बावजूद 3 संतान के से सामाजिक आर्थिक मानदंड में जो अंक लेने के जो काम कर रहे हैं उनके 4 दिन के अंदर समय लग सकता है, दोबारा से उनकी सूची है वो जारी की जाएगी। दैनिक सवेरा ने सोमवार को पूछा कि त्रुटियां ठीक करने के बाद लगभग 13,000 उम्मीदवार CET जो स्कोर में बदलाव होना था वह सूची कब तक जारी होगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया है कि त्रुटि दूर करने का लगभग काम पूरा हो लिया है, मगर आयोग का जो स्टाफ है बारिश के कारण कम आ रहा है ऑफिस में, इसलिए इन उम्मीदवारों की सूची जारी होने में मात्र 4 दिन का समय हमें और चाहिए। यह तो हो गया, इनका जो रिजल्ट है वो दोबारा से जारी होगा। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के उम्मीदवारों की चेकिंग चल रही है, अध्यक्ष ने यह भी बोल दिया है। दैनिक सवेरा में पूछा कि फायर ऑपरेटर कम ड्राइवरों के उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क साधकर कहा है कि PMT के लिए उनका नाम आयोग की वेबसाइट पर नहीं आया है। उन्होंने बताया कि वे आयोग में आवेदन देखकर भी आए थे मगर उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि हम उनकी चेकिंग चल रही है, चेकिंग के बाद जो भी योग्य उम्मीदवार होंगे उनके नाम बता दिए जाएंगे। ये चीजें आपको बताई है। PMT DV शेड्यूल स्थगित, जो आपका PMT का जो फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट था उसका जो पोस्टपोन कर दिया गया है, उसके ऊपर क्या कहा है भोपाल सिंह खत्री ने, अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप सी के पदों के लिए उम्मीदवारों का फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट था उसके लिए शेड्यूल जारी किया था, इसलिए कि TGT उम्मीदवारों का दस्तावेज जांच का शेड्यूल जारी कर रखा था, मगर भारी बारिश के कारण आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है, कुछ समय बाद यह शेड्यूल दोबारा से जारी होगा, इन्होंने यह लिख दिया गया है। परंतु इसमें कोई डेट फिक्स नहीं की है, फिजिकल मेजरमेंट की जब भी कोई न्यू डेट आएगी तो आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा, और हरियाणा के अंदर जो भी CET ग्रुप सी ग्रुप डी के अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको बताए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आज के दिन हरियाणा में सबसे बड़ी भर्ती बची है CET। CET ग्रुप सी की जो भर्ती है यह एकमात्र बड़ी भर्ती रहने वाली है, तो उसको लेकर काफी बवाल उठे जा रहे हैं, काफी मैसेज आते जाते हैं, काफी लेटर जारी कर रही है सरकार भी है, और HSSC की भोपाल सिंह खत्री का भी काफी बार इंटरव्यू भी आ चुका है, काफी बार उन्होंने मैसेज भी डाल चुके हैं, ट्वीट भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके में गुमराह नहीं होना है भाई और बहनों, साफ बात यह है, कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें, किसी भी टाइम कुछ भी अपडेट आएगा आपको साफ सुथरा बता दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, किसी भी टाइम कोई भी एग्जाम होगा फिजिकल होगा तुरंत आपको लेटर दे दिया जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी।
तो हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट आप मोहल्ले तक इसी प्रकार से आपको मिलेगी। और जिस भी जिले के अंदर कोई भी डीसी रेट जो आती है आपके जिले आपके शहर आपके गांव के अंदर भी डीसी रेट जो आती है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कोई भी आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है हेल्थ डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर डीसी रेट जॉब लगती है। आंगनबाड़ी विभाग है उसके अंदर डीसी रेट जॉब लगती है। बिजली विभाग है तो उसके अंदर डीसी रेट जॉब लगती है। स्कूलों के अंदर सफाई कर्मचारी की डीसी रेट जॉब रहती है। गांव के अंदर जो नलके चलाता है पंप ऑपरेटर जिसको बोलते हैं उसकी डीसी रेट जॉब रहती है। तो जो भी डीसी रेट जॉब आती है आसपास के आपके सब हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। हर अपडेट आपको मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए अभी तक हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। भाई और बहनों एक प्यारा सा कमेंट सभी कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।